तो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में आज की इस वीडियो में हिंदी के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे ये जो 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हमारे वेबसाइट पे मिक्स टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट अभी तक आप नहीं दिए हैं तो टेस्ट दे लीजिएगा तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था ऑप्शन है दिल्ली में बी ऑप्शन है इलाहाबाद में सी ऑप्शन है मिर्जापुर में डी ऑप्शन है बनारस में तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था तो मिर्जापुर में हुआ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर दो नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए ए ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति का बी ऑप्शन है देव भक्ति का सी ऑप्शन है मित्र भक्ति का डी ऑप्शन है शत्रु भक्ति का तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए तो राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर तीन नंबर प्रश्न है कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है ए ऑप्शन है बंदूक पर बी ऑप्शन है लाठी पर सी ऑप्शन है एटम बम पर डी ऑप्शन है लोहे के बने हथियार पर तो यहाँ पे आपको बताना है कि नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है तो एटम बम पर कर रहा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर चार नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण गोला स्थान का संबंध किससे है ए ऑप्शन है जैन धर्म से बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से सी ऑप्शन है सिख धर्म से डी ऑप्शन है वैष्णो धर्म से तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण बेल गोला स्थान का संबंध किससे है तो जैन धर्म से है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर पांच नंबर प्रश्न है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं ए ऑप्शन है अंग्रेजी बी ऑप्शन है मातृभाषा सी ऑप्शन है हिंदी डी ऑप्शन है फ्रेंच तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं तो भारतीय अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा हिंदी के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा क्योंकि इस 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसपे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न छः नंबर छः नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? ए ऑप्शन है गांव में बी ऑप्शन है शहर में सी ऑप्शन है नगर में डी ऑप्शन है पर्वत पर तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता निवास करती हैं तो भारत माता गांव में निवास करती हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर सात नंबर प्रश्न है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है ए ऑप्शन है देसी घी बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन सी ऑप्शन है गुलामी डी ऑप्शन है नौकरी तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है तो भारतीयों को अब विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न आठ नंबर आठ नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था ए ऑप्शन है पत्नी ने बी ऑप्शन है मित्र ने सी ऑप्शन है नौकर ने डी ऑप्शन है छोटी बेटी ने तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था तो छोटी बेटी ने पूछा था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न नौ नंबर नौ नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी ऑप्शन है आस्तिक बी ऑप्शन है नास्तिक सी ऑप्शन है अंधविश्वासी कमजोर तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा थी तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न दस नंबर दस नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अभिन्यों में कैसा समारोह का आयोजन होता था ऑप्शन है रंग समारोह का बी ऑप्शन ने धार्मिक समारोह का सी ऑप्शन ने विश्व कप का डी ऑप्शन ने राष्ट्रमंडल खेल का तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कैसा समारोह का आयोजन होता था तो रंग समारोह का आयोजन होता था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न है ग्यारह नंबर ये ग्यारह नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है ए ऑप्शन है रास्ते में बी ऑप्शन है शहर में सी ऑप्शन है रंगपा के खेत में डी ऑप्शन है पटना में तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ है तो अमराई का कुआं रास्ते में है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न बारह नंबर। बारह नंबर प्रश्न है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा ए ऑप्शन है छोटे डॉक्टर ने बी ऑप्शन है बड़े डॉक्टर ने सी ऑप्शन है नर्स ने डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा तो बड़े डॉक्टर ने कहा इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न तेरा नंबर तेरा नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है ए ऑप्शन है महानगरों में बी ऑप्शन है शहरों में सी ऑप्शन है सरायों में डी ऑप्शन है गाँव में तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है तो भारत का जो सर्वाधिक आबादी होता है ये गांव में बसता है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न चौदह नंबर चौदह नंबर प्रश्न है कि मदन के पिता का नाम क्या था ऑप्शन है सेन साहब बी ऑप्शन है मोहन सी ऑप्शन है रामनाथ डी ऑप्शन है गिरधरलाल तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के पिता का नाम क्या था तो गिरधर लाल था इसे आपको याद रखना है यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न पंद्रह नंबर पंद्रह नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी ए ऑप्शन है जौनपुर में बी ऑप्शन है कानपुर में सी ऑप्शन है मैनपुरी में डी ऑप्शन है देहरादून में तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी तो मैनपुरी में हुई थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न सोलह नंबर सोलह नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई ए ऑप्शन है लू से बी ऑप्शन है तपेदिक से सी ऑप्शन है कैंसर से डी ऑप्शन है डायरिया से तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई तो बिरजू महाराज के पिताजी की, की मृत्यु लू लगने से हुई इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न सत्रह नंबर सत्रह नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है ऑप्शन है माँ बी ऑप्शन है ढाते विश्वास सी ऑप्शन है नगर डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है तो बाढ़ की जो समस्या है ये ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न अठारह नंबर अठारह नंबर प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है ऑप्शन है हिंदी बी ऑप्शन है संस्कृत सी ऑप्शन है अंग्रेजी डी ऑप्शन है उर्दू तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न उन्नीस नंबर उन्नीस नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ए ऑप्शन है ब्राह्मी बी ऑप्शन है देवनागरी सी ऑप्शन है रोमन लिपि डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है तो जो हिंदी होती है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न बीस नंबर बीस नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है ए ऑप्शन है नाखून को बी ऑप्शन है चोर को सी ऑप्शन है डाकू को डी ऑप्शन है बदमाश को तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न है इक्कीस नंबर इक्कीस नंबर प्रश्न है कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है ए ऑप्शन है लिपि में, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि में सी ऑप्शन है रोमन लिपि में डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है तो जो संस्कृत होती है ये ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न बाईस नंबर बाईस नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए ऑप्शन है एक बीघा बी ऑप्शन है दो बीघा सी ऑप्शन है तीन बीघा डी ऑप्शन है चार बीघा तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए तो एक बीघा जमीन छोड़ गए इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न तेईस नंबर तेईस नंबर प्रश्न है की सीता रुवासी क्यों हो गई ए ऑप्शन है बेटों के दुधकार से बी ऑप्शन है बहुओं की कला से सी ऑप्शन है अपना काला उड़ना देख के डी ऑप्शन है अपनी गरीबी पर तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता रुवासी क्यों हो गई तो अपना काला उड़ना देख कर सीता रुवासी हो गई यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न चौबीस नंबर चौबीस नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था ऑप्शन है दस रुपया का वीप्सन पंद्रह रुपया का सी ओप्सन गुपया का डी ऑप्शन है बीस रुपया का तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था तो ग्यारह रुपए का लगा था यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न पच्चीस नंबर पच्चीस नंबर प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है ए ऑप्शन है दल बदलना बी ऑप्शन है घर बदलना सी ऑप्शन है विदेश जाना डी ऑप्शन है टोपी रंगवाना तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो दल बदलना है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न छब्बीस नंबर छब्बीस नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है ए ऑप्शन है संस्कृति की बी ऑप्शन है नृत्य की सी ऑप्शन है नर्तन की डी ऑप्शन है वादन की तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न सताइस नंबर सताइस नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था ए ऑप्शन है गंगा बी ऑप्शन है यमुना सी ऑप्शन है सरस्वती डी ऑप्शन है देवी तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न अट्ठाईस नंबर 28 नंबर प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं यह किसने कहा था ये ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी ने ऑप्शन है गिरधर ने सी ऑप्शन है सेन साहब ने डी ऑप्शन है सोफर ने तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं या किसने कहा था तो सेन साहब ने कहा था यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न उनतीस नंबर उनतीस नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे ए ऑप्शन है डॉक्टर बी है इंजीनियर सी ऑप्शन है पत्रकार डी है खिलाड़ी तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे तो इंजीनियर बनाना चाहते थे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीस नंबर तीस नंबर प्रश्न है कि मदन और कांसू के बीच झगड़े का क्या कारण था ऑप्शन है पहलवानी बी ओप्सन इर्ष्या सी ऑप्शन है लट्टू खेलने की ललक डी ऑप्शन है साइकिल की सवारी तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था तो लट्टू खेलने की ललक था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न है इकतीस नंबर इकतीस नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं ए ऑप्शन है भारत में बी ऑप्शन है जापान में सी ऑप्शन है चीन में डी ऑप्शन है अमेरिका में तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं तो अपने देश भारत में सबसे अधिक जातियां हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न बत्तीस नंबर बत्तीस नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर बी भी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू सी ऑप्शन है मैक्स मूलर डी ऑप्शन है गुणाकर मुले तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर हैं इन्हें आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न तीस नंबर तीस नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगस ने बी ऑप्शन है जनरल कनिंगम ने सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने डी ऑप्शन है विलियम जॉन्स ने तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया तो मैक्स मूलर ने किया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न चौतीस नंबर नंबर प्रश्न है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा ए ऑप्शन है प्राणों को संकट में डालना बी ऑप्शन है निडर होना सी ऑप्शन है बलवान होना डी ऑप्शन है किसी का नाम मानना तो यहाँ पे आपको बताना है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो प्राणों को संकट में डालना होगा इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न पैंतीस नंबर पैंतीस नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था ए ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल बी ऑप्शन है फारस का राजा सी ऑप्शन है महान दार्शनिक डी ऑप्शन है समाज सुधारक तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था तो भारत का गवर्नर जनरल था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न छत्तीस नंबर छत्तीस नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है ए ऑप्शन है नीला बी ऑप्शन है लाल सी ऑप्शन है गीला डी ऑप्शन है धूल भरा तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता का अंचल कैसा है तो भारत माता का आंचल धूल भरा है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न है नंबर सैतीस नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है ए ऑप्शन है चीन में बी ऑप्शन है अमेरिका में सी ऑप्शन है भारत में डी ऑप्शन है जापान में तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ है तो हिरोशिमा जापान में है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न अड़तीस नंबर अड़तीस नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ स्थित है ए ऑप्शन है इंदौर के पास बी ऑप्शन है इलाहाबाद के पास सी ऑप्शन है पुणे के पास डी ऑप्शन है पटना के पास तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ स्थित है तो जो बेतमा है ये इंदौर के पास स्थित है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न उनतालीस नंबर उनतालीस नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया ए ऑप्शन है युद्ध में बी ऑप्शन है डकैती में सी ऑप्शन है चोरी में डी ऑप्शन है चरवाही में तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया तो युद्ध में मारा गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न चालीस नंबर चालीस नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए ए ऑप्शन है बिहार बी ऑप्शन है ब्रजभूमि सी ऑप्शन है लखनऊ डी ऑप्शन है इलाहाबाद तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न है इकतालीस नंबर इकतालीस नंबर प्रश्न है कि राजदंड में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे ए ऑप्शन है ढाल और तलवार बी ऑप्शन है फूल और भौरे सी ऑप्शन है फावड़े और हल डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे तो फावड़े और हल होंगे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न बयालीस नंबर बयालीस नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं ए ऑप्शन है नेता बी ऑप्शन है शिक्षक सी ऑप्शन है मंत्री डी ऑप्शन है किसान मजदूर तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है तो किसान मजदूर है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न तिरालीस नंबर तिरालीस नंबर प्रश्न है कि किसके हंकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है ए ऑप्शन है शासक के बी ऑप्शन है राजा के सी ऑप्शन है जनता के डी ऑप्शन है मजदूर के तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है तो जनता के हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाता है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न चौवालिस नंबर चौवालिस नंबर प्रश्न की उर्वशी किनकी कृति है ए ऑप्शन है दिनकर की बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की डी ऑप्शन है कुंवर नारायण की सी ऑप्शन है कुंवर नारायण की डी ऑप्शन है की तो यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किनकी कृति है तो जो उर्वशी है ये दिनकर की कृति है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न पैंतालीस नंबर पैंतालीस नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे ए ऑप्शन है मंदिर में बी ऑप्शन है घरों में सी ऑप्शन है खेतों में डी ऑप्शन है शहरों में तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे तो खेतों में मिलेंगे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न है छियालीस नंबर छियालीस नंबर प्रश्न है कि एवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है ए ऑप्शन है सोन बी ऑप्शन है रोम सी ऑप्शन है झेलम डी ऑप्शन है गंगा यहाँ पे आपको बताना है कि अवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है तो रोन नदी के किनारे स्थित है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न सैतालीस नंबर सैतालीस नंबर प्रश्न है कि क्या है ऑप्शन है गांव, बी ऑप्शन है ईसाई मठ सी ऑप्शन है नगर डी ऑप्शन है विश्वविद्यालय तो यहाँ पे आपको बताना है कि ला क्या है तो लाश शत्रु जे किसाई मठ है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर 48 नंबर प्रश्न है कि जीत जीत में निर्खतू पाठ किससे संबंधित है ए ऑप्शन है शंभू महाराज से बी ऑप्शन है बिरजू महाराज से सी ऑप्शन है लक्षू महाराज से डी ऑप्शन है किशन महाराज से तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निर्खतू पाठ किससे संबंधित है तो बिरजू महाराज से संबंधित है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आइए देखते हैं अगला प्रश्न उनचास नंबर उनचास नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था ऑप्शन है लक्ष्मण बी ऑप्शन है अर्जुन सी ऑप्शन है रंगपा डी ऑप्शन है श्याम तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था तो लक्ष्मण था यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अंतिम प्रश्न पचास नंबर पचास नंबर प्रश्न है कि लोग हाफते हुए किस ओर दौड़ने लगे ए ऑप्शन है समुद्र की ओर बी ऑप्शन है टीले की ओर सी ऑप्शन है शहर की ओर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोग हाफते हुए किस ओर दौड़ने लगे तो टीले की ओर दौड़ने लगे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा हिंदी के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और अभी जाइए हमारे वेबसाइट पे मिक्स टेस्ट चल रहा है तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका था ऑप्शन है इंसान बी ऑप्शन है बेईमान सी ऑप्शन हैवान डी ऑप्शन है इनमें से सभी तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा पढ़ाई कीजिए एंड बाय